चुनाव लड़ो और हारो, बट आपके मैनिफेस्टो में लिखा तो है, ये तो पूछ रहा हूँ मैं। अरे कौन, ये आपने कोई नहीं लिखा, आप चेक तो करो, अपने मैनिफेस्टो चेक करो, मेरी वाले नहीं अपने वाले चेक कर लो, देखेंगे। अब ये जो सरकार है, केजरीवाल की सरकार के ताबूत में आखिरी चेक ढूंढ चुका है और अब इनके जाने के दिन आ गए हैं। नमस्ते। सोमनाथ भारती वो कह रहे हैं आपके जाने के दिन आ गए और अभी से नमस्ते कर रहे हैं। नहीं, ये तो देखिए, चूंकि उनके पास सवालों का जवाब नहीं था, उनके अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि दिल्ली को पुनर्राज का दर्जा देंगे, आज कह रहे नहीं देंगे, तो मैं जानना चाहता हूँ कि भाई इनके मैनिफेस्टो का कोई है कि नहीं, उसे कोई मूल्य है कि नहीं। जो कहते हैं चुनाव के अंदर, वैसे तो उन्होंने खुद ही कह दिया था, इनके बड़े नेता ने, इनके चुनावी वादे जुमले होते हैं, तो ये जुमले के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि भाजपा के पास आज के तारीख को मुद्दा नहीं है, दिल्ली वासियों को निराश किया हर तरफ से, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे डीडीए का मसला हो, चाहे एमसीडी का मसला हो, दिल्ली वाले एक परफॉर्मिंग लीडर को देख चुके हैं, केजरीवाल को अपना लीडर मान चुके हैं, केजरीवाल ने ही दिल्ली की समस्याओं का समाधान दिया है और आगे भी देंगे। अरे अनार्किस्ट दिल्ली का लीडर नहीं हो सकता, अनार्किस्ट भाई, कोई अनार्किस्ट दिल्ली का लीडर नहीं हो सकता। ठीक है शर्मा जी, देखिए एक वाजिब सवाल देखिए ये है, अरविंद केजरीवाल सरकार विकास की बात कर रही है, अब जब आप बात कर रहे हैं तो आप भी गिनाइए ना, आपकी सरकार अगर आएगी तो क्या ऐसा कर देगी जो अरविंद केजरीवाल सरकार ने नहीं किया। सुनिए, समझ नहीं आती बात, केजरीवाल जी स्वयं अनार्किस्ट है, वो कहते हैं कि मैं अनार्किस्ट हूँ और आप कुछ और बोल रहे हैं। आप अपने पुराने टेप निकालिए केजरीवाल जी के, अनार्किस्ट का मतलब क्या हो? आम आदमी पार्टी अमित शाह कुछ कह रहे हैं, जरा उसको सुन लेते हैं। आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ ही समय में दिल्ली की जनता ने आपको पहचान लिया है केजरीवाल, इसीलिए जब एमसीडी के चुनाव हुए तीनों के तीनों कॉर्पोरेशन में आप पार्टी का पत्ता साफ, लोकसभा के चुनाव हुए भाई विदुड़ी और बहन मीनाक्षी लेखी यहां बैठे, जब लोकसभा के चुनाव हुए उसमें भी आप पार्टी का पत्ता साफ हो गया, आप तीसरे नंबर पर पहुंच गए, दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी आ गई। और मित्रों, ये दिल्ली की जनता का मूड जो बना है, जो मूड बना है उसके कई कारण, मैं आज दिल्ली की जनता को अपील करने आया हूं कि आप पार्टी का चुनावी एजेंडा उनका घोषणा पत्र उठाकर देख लीजिए, 80% चीजें नहीं, 20 कॉलेज खोलने वाले थे, हो सकता है कल परसों एक एडवर्टाइज आ जाए कि बधाई हो एक कॉलेज खुल जाएगा, 500 स्कूलें खोलने वाले थे, मुख्यमंत्री की कोई सुविधा नहीं लेंगे, बंगला भी ले लिया, गाड़ी भी ले ली, और जवाब भी नहीं देते हैं कि भैया आपने तो दिल्ली की जनता को कहा था हम कोई सुविधा नहीं लेंगे, मगर आपने बंगला भी ले लिया, गाड़ी भी ले ली, दूसरे दिन ही मुकर गए। दिल्ली के विकास के लिए 15 लाख, सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाना थे, आज भी दिल्ली की जनता ढूंढ रही है कि कहां है वो कैमरा, सब जगह पे वाईफाई फ्री करने वाले थे, युवा मोबाइल पर वाईफाई ढूंढते ढूंढते मोबाइल की बैटरी उतर जाती है, वाईफाई नहीं मिलती है, पानी का बिल माफ कर देंगे, कम तो किया माफ नहीं किया, मगर जहर जैसा पानी दिल्ली को पीने वालों के लिए दिया है, जहर जैसा पानी, दिल्ली के पानी की क्वालिटी केजरीवाल जी आपकी प्रशासन क्षमता को दिखा दो, जल निगम जो है जिनके अध्यक्ष स्वयं केजरीवाल जी है, 150 करोड़ के मुनाफे में चलता था, 800 करोड़ के घाटे में डालने का काम है केजरीवाल जी ने करा, हम भी आएंगे तो उसको रिपेयर करते करते एक समय जाएंगे, हर प्रकार के वादों के जवाब में झूठ और एडवर्टाइज इसके सिवाय कुछ। हमारे सांसद कहते हैं कि दिल्ली में 5 साल की सरकार की जगह 5 महीने की सरकार चल रही, मुझे पहले समझ में नहीं आया, मैंने पूछा भैया ये 5 महीने की सरकार क्या होगा,
तो उन्होंने कहा केजरीवाल की सरकार, आप पार्टी की सरकार 5 साल चली, कुछ नहीं किया, 5 महीने में सारे एडवर्टाइज देकर विकास के लिए लोगों की आंख में धूल झोंकने का प्रयास। मगर आप पार्टी वालों में आपसे पूछना चाहता हूं, आप दिल्ली की जनता को क्या समझते हैं? दिल्ली की जनता को इस प्रकार से आप गुमराह कर पाओगे क्या? हमारे तीनों म्युनिसिपल कॉरपोरेशन 10,000 करोड़ रुपया देना था, नहीं दिया, जिससे वो विफल हो जाए। मगर केजरीवाल जी, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, आपने पैसा नहीं दिया, जो भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपना काम अच्छे तरीके से कर दिल्ली को गंदा होने से बचा है। उन्होंने वादा किया था कि हम अनधिकृत कॉलोनी को अधिकृत करने के लिए प्रयास करें। अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट 5 साल काम करता रहा, प्रयास करता रहा, नहीं, चुनाव नजदीक आने दो, चुनाव नजदीक आने दो, चुनाव नजदीक आने दो, हमें लगा ये तो करेंगे ही नहीं, उनको साइड पर रखकर मोदी जी और हरदीप पुरी ने 1700 कॉलोनी के 40 लाख लोगों को मालिकी का अधिकार देकर अधिकृत बना दिया। हम 5 साल तक ट्राई करते रहे, प्रयास करते रहे कि सारी झुकी झोपड़ियों की जगह एक अच्छे मकान बन जाए, एक अच्छे फ्लैट बन जाए, चाहे छोटे छोटे, मगर बच्चा एक सुरक्षित जगह पे। आपने नहीं होने दिया, कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं केजरीवाल जी, आज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से दिल्ली से झुग्गी झोपड़ी वालों को कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, जहां झुग्गी है वही मकान देने का काम नरेंद्र मोदी जी समाप्त करेंगे। और एक पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू हो गया, 30,000 झुग्गियों को मकान देने की शुरुआत कर दी है। आप कितने भी रोड़े लगाओ, ये रुकने वाला नहीं है, और चुनाव के बाद आप रोड़े लगाने के लिए रहने वाले भी नहीं हो, क्योंकि यहां भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है। और मित्रों, सबसे बड़ी बात दिल्ली की शांति, वो अभी सीए को लेकर मोदी जी आए। मुझे आप सब लोग बताओ मित्रों, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए, हिंदू है, सिख है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, उनको यहां शरण देनी चाहिए, नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? जोर से बोलिए, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? मोदी जी ने निर्णय करा उनको नागरिकता करने का, और एक कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी, विशेषकर कांग्रेस पार्टी में कहना चाहता हूं, ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पूरे देश भर में इस देश की माइनॉरिटी को गुमराह कर रहे हैं कि आपका नागरिक तत्व चला जाएगा, आप इस देश के सिटीजनशिप चली जाएगी, आप नागरिक नहीं रह पाओगे। अरे भाई, ये जो सीएए है उसमें किसी की भी सिटीजनशिप लेने का प्रावधान ही नहीं है, सिटीजनशिप देने का प्रावधान है, आप झूठ क्यों बोल रहे? और गुमराह किया दिल्ली के युवाओं को, गुमराह किया दिल्ली की जनता को, गुमराह किया, और दिल्ली को दंगों की आग में झुलसने का पाप एक कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी ने किया है। दिल्ली की जनता जरूर इस बात का आपसे हिसाब मांगे। चार चार दिन तक दिल्ली के अंदर दिक्कतें रही, दंगे हुए, इसके लिए एक कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जिम्मेदार है, ये आप पार्टी जिम्मेदार है। और आज भी निर्लज्जता के साथ कहते हैं कि जिन्होंने दंगा करा है उसको हम कानूनी मदद देंगे, उनके घर जाएंगे, उनकी देखभाल करेंगे। राहुल बाबा, आपकी हर हरकत को देश दूरबीन की नजर से देख रहा है कि आप दंगाइयों का साथ दे रहे। देश के अंदर जो अशांति फैलाने वाले संगठन है, जो ग्रुप है, उसके साथ आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे, आपकी पहचान बना रहे, और लोकतंत्र के अंदर इस तरह की बातें छिपती नहीं।
मित्रों हमने धारा 370 70 साल से इस देश का हर नागरिक चाहता था कि कश्मीर जो हमारा है भारत माता का अभिन्न अंग बने। मुझे बताइए भैया, कश्मीर हमेशा के लिए भारत का बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलिए, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? किसी में हिम्मत नहीं धारा 370 को हटाने। मोदी जी ने पूर्ण बहुमत मिलने के बाद, राज्यसभा में बहुमत मिलने के बाद तुरंत ही फैसला लिया और एक ही झटके में धारा 370 और 35 को उखाड़ कर गए। और आज हमारा कश्मीर वहां के साथ हमारा तिरंगा आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। मित्रों अब कश्मीर को भारत से कोई अलग नहीं कर सकता। कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मसले पर दोगलेपन वाला व्यवहार कर, कोर्ट में उसका विरोध कपिल सिब्बल करते हैं, लेट करो लेट करो लेट करो लेट करो, क्योंकि उनकी वोट बैंक नाराज हो जाए। मुझे बताओ भाई, अयोध्या में जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? सुनाई नहीं पड़ता है, पगड़ी नीचे आ गई, ये बताओ बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? आप चिंता मत करिए, केजरीवाल एंड कंपनी और राहुल बाबा को जो करना है वो करने दो। अयोध्या में आसमान को छूने वाला राम मंदिर उसी जगह पे बनने वाला। मोदी जी देश की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए जहां पाकिस्तानी आतंकवादी छुपे हैं वहां सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, एयर स्ट्राइक करते हैं, तो कांग्रेस और आप पार्टी क्या करती? सबूत लाइए, सबूत लाइए। देखिए साहब, इमरान खान भी कहता है सबूत लाइए, केजरीवाल भी कहते हैं सबूत लाइए और राहुल गांधी भी कहते हैं सबूत लाइए। मेरी मालूम नहीं पड़ता है तीनों के बीच में संबंध क्या है। जो बात पाकिस्तान करता है वही बात हमेशा राहुल गांधी और केजरीवाल। कुछ बच्चों ने नारे लगाए, भारत विरोधी नारे लगाए, भारत तेरे टुकड़े होंगे 1000। मित्रों को जेल में डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए? जोर से बोलो, डालना।